नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हूं। आज मेरा आखिरी दिन है ऑस्ट्रेलिया में। कल मैं हिंदुस्तान के लिए वापस चला जाऊंगा। हिंदुस्तान की फ़्लाइट है मेरी इंडिया की और मैं वापस पहुँच जाऊँगा अपने हरियाणा, अपने देश भारत और अपने शहर करनाल में। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको ये गाड़ी दिख रही होगी। टोयोटा की ये गाड़ी है। इस गाड़ी के ऊपर जो नंबर आप देख रहे हैं, ये KHOKAR ये गाड़ी का नंबर है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है 7-Eleven। 7-Eleven मतलब कि ये एक पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप पर आप अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल, डीजल या गैस डलवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कर्मचारी नहीं दिख रहा। यहाँ पर आप तेल डलवा कर पैसे दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है, क्या नियम है, क्या कानून है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर कोई शख्स नहीं है जो आपकी गाड़ी के अंदर तेल डाले। आपको लग रहा होगा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है, शायद पेट्रोल पंप बंद हो गया। तो आप गलत सोच रहे हैं। ये पेट्रोल पंप 24 घंटे चलता है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ इस समय आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, डीजल खुद डालते हैं। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है कि किसी भी पेट्रोल पंप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता। आखिर कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको बताने के लिए हमारे साथ अमन है, जो कि 7-Eleven के मैनेजर हैं। उनसे एक बार जानते हैं। अमन भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने पेट्रोल पंप पर हमें आने का मौका दिया, विजिट करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप का कर्मचारी नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल कौन डालेगा, डीजल कौन डालेगा, अगर कोई होगा ही नहीं तो ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? स्पेशली क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं जी, उसमें आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का काम क्या है, आपसे पैसे लेना या आपको सर्व करना एज अ कस्टमर सर्विस। बट जो आपको फ्यूल है, LPG गैस है, डीजल है, जो भी आपको करना है, सेल्फ सर्विस है। आप अपने आप आओ, खुद डालना है। चार टाइप के फ्यूल हैं, दिखाओ जरा एक बार। यानी आप सोचिए कि कोई आदमी अपनी गाड़ी को लगाता है, उसको खुद ही पेट्रोल डीजल डालना है, क्या पूरा सिस्टम है? ये तीन जो नोब्स हैं किस किस चीज़ की है? ये पहली तो है E10। E10 क्या? जिसमें 90% फ्यूल, 10% इथेनॉल मिक्स। ओके। देन अनलीडेड 91, देन डीजल। फिर अपने पास डीजल और ये तीन अलग अलग हो गए जी। तीन अलग अलग हो गए। फिर आता है एक्स्ट्रा 95। अच्छा, ये मोर सुपीरियर देन 91, लेस सुपीरियर देन सुप्रीम 98। तो एक क्वालिटी है इनकी, अलग अलग वैरायटी है। हाँ, जैसे इंडिया में है एक्स्ट्रा 95 प्लस, वहाँ पे दो क्वालिटी है, यहाँ पे चार तरह की क्वालिटी है। 98, देन 95, देन 91, देन E10। जैसे अब हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है और हमने इसमें पेट्रोल, डीजल, शायद डीजल गाड़ी है ना ये, डीजल गाड़ी है, तो अब हमने इस पर डालना है, तो हम इसमें ये डीजल डालेंगे, तो इसका जो रोड, पेट्रोल गाड़ी है हमारी, तो इसका जो रेट है आज का क्या चल रहा है? इसका रेट है, देख सकते हैं आप, अगर आपने अनलिमिटेड डलवाना है, $1.75.9। तो ये लगभग बन जाता है, कितना पैसा बन जाएगा इंडिया के हिसाब से? अगर आप लगाओगे तो लगभग $90 इस हिसाब के हिसाब। और अगर आपने E10 डलवाना है तो E10 आपको पड़ेगा वही 85-86। अच्छा, रुपीस इंडिया के हिसाब एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अब मैं अगर चाहूँ कि भी आप पेट्रोल डालो हमारी गाड़ी में, डाल सकते हो? हाँ जी, जरूर। डाल के दिखाओ एक बार। आप देखिए कि यहाँ पर आपको पेट्रोल डालना है, पेट्रोल की यानी कि आप खुद, यानी बंदे को खुद काम करना पड़ता है, ये आत्मनिर्भर बना रखा है इनको। हाँ जी, आत्मनिर्भर भी है, अपने आप ही हम फ्यूल भी भरेंगे, उसके बाद ऑथोराइज भी अंदर से होगा, और उसके बाद हमने आप ही अंदर पे करना है, कुछ और सामान लेना है उसका भी साथ के साथ पे करना है, और फ्यूल ज्यादा डाले कम डाले बिल अंदर ही देना है। बिल अंदर ही देना है, और वो नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी कम बता के ज्यादा डाल दिया, और वो अपने आप बता देंगे कि भी कितने का डाला, आपको भी बताने की जरूरत नहीं। अगर आप जैसे इंडिया में है कि झूठ बोल दिया या जो भी कुछ बोल दिया, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ उनको बताओ कि ये फ्यूल नंबर, ये पंप नंबर है, वो आपको अपने आप बता देंगे कितने का आपने फ्यूल भरा है। अच्छा, मेरे को एक जानकारी कोई बता रहा था, कहते जी अगर आप थोड़ा बहुत तेल डलवाते हो, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ उधार उधूर भी मिलती है, वो क्या है? वो ऐसे है, विद इन 5 डेज आपको देना होता है, बट एज पर द रूल आपको, वैसे तो चाहे मतलब अपने हिसाब से आप साथ के साथ ही दो, बट फिर भी यहाँ पे क्या है कि आपको टाइम है एक 4-5 दिन का, कि विद इन 5 डेज। जैसे कई बार मैं वॉलेट भूल गया, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, उधार मिल जाता है, तो उधार मिल जाता है। आप अपना लाइसेंस दे जाओ या अपना कोई आईडी दे जाओ कि आपको वो कैच कर पाए जी। तो इसी उससे आप अपना फ्यूल डल गया इसमें। हाँ जी, तेल डल गया। हमारी इन्होंने पेट्रोल डाल दिया है, टैंकी इन्होंने पहले ही फुल थी, लेकिन मुझे दिखाने के लिए इन्होंने कुछ और तेल डाला है। तो $20 का
जो 11.47 लीटर तेल है ये डल गया। अब आप मुझे बताएंगे अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा। मान लो मैंने तेल डलवाया, ये आपने तेल डाला, प्रोसेस ये है, मैंने फ्यूल डलवाया, मैं अंदर जाऊंगा काउंटर पे, मैं बताऊंगा मेरा फ्यूल नंबर, नंबर टू, दो नंबर मशीन है, वो अपना वो कंप्यूटर से ऑथराइज करेंगे, उसको चेक करेंगे कितने का डलवाया, अगर आपको कोई और सामान लेना है साइड बाय साइड उसको अटैच करके उसमें आपको पे करना है। अगर इंडिया में ये सिस्टम हो जाए आपको लगता है लोग पैसे दे के जाएंगे? इंडिया में तो अगर ऐसा हो गया, क्योंकि एक तो आबादी ज़्यादा है, तो इतना कोई सिस्टम, या तो फिर बंदे ही पूरे ऐसे बिल्कुल अटैच हो जाएं कि भी हमारे को देना ही है। मतलब एक होता है नीयत अच्छी होनी चाहिए। अब हम भी सारे इंडिया से आए तो इंडिया से ही हैं, बट यहाँ आके हमारे को थोड़ा चेंज होना पड़ गया, उनको फॉलो करेंगे तो हम यहाँ पे ठीक रहेंगे। आपने कई बार सुना होगा भी एक गाड़ी आके खड़ी हुई पेट्रोल पंप पर, तेल डलवाया और भाग गए, उसके बाद ऐसा यहाँ भी होता है? हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल होता है, होता है। यहाँ पे हम उसको ड्राइव ऑफ कहते हैं, कि हमने जैसे आप पीछे खड़े हैं, उनके पास कई बार टाइम ही नहीं है, कोई बंदे ऑनेस्ट भी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि फ्यूल डलवाया, अपना फ्यूल यहाँ से चले गए, कॉल कर दिया कि मैं आऊँगा शाम को, मैं पे कर दूंगा। अच्छा, अगर किसी, अगर जो नीयत ठीक है, अगर किसी का दिल ही नहीं है पे करने का, तो अपना पीछे से आराम से ड्राइव ऑफ करके तो निकल जाएगा। उसमें शिकायत वगैरह ओनर या मैनेजर जो भी होंगे उसमें, उसको उस कैमरे से देख के उसको अपना क्या कहते हैं न्यू साउथ वेल्स में या पुलिस साथ वाले सबर में पुलिस का वो करके उसको शिकायत हो जाएगी, उसको कॉल करेंगे, उसको भी कोई वो नहीं करेंगे कि आपने कोई गलती बहुत बड़ी कर दी है। अच्छा। उसको सिर्फ आपको फोन करेंगे कि भी आप अपना पे कर दो, नहीं तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, दैट्स ऑल, एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, दैट्स इट। और ये देखिए सामने इनका जो काउंटर है वो बना हुआ है, और उस काउंटर में जाकर जो ये पेमेंट है पूछेंगे कि जो दो नंबर मशीन है उसकी कितनी पेमेंट बनती है, और आप चाहें तो कुछ खरीद भी सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ पंप है, यहाँ पे एक स्टोर भी है जिसमें आप डोनट्स, सैंडविचेस, ड्रिंक्स, एवरीथिंग, हाँ जी, कुछ भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टू नंबर मशीन है वहाँ का जो बिल है वो, क्या वो पूरा सही बिल यहाँ पर आया है या नहीं आया, एक बार पता कीजिए जी कितना बिल बना है हमारा, कितना बिल होगा दो नंबर मशीन का? डिस्काउंट कितना? $20 बना है, $20 वही जो पहले वही जो वहाँ था वो यही इन्होंने बता दिया हमारे को, और तो यहाँ पे पे कर, यहाँ पे कर दिया। तो ये यानी कि सेल्फ सर्विस से कह सकते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही है, ऑस्ट्रेलिया पहले से आत्मनिर्भर है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया पहले से ही आत्मनिर्भर है। अब ये दो हमारे एम्प्लॉय भी खड़े हैं यहीं पे ही, वही हमारे को सर्व भी कर रहे हैं, और उन्होंने ही हमारे को बताया है कि दो नंबर से आपने फ्यूल डलवाया बिल्कुल सही हो। मतलब कई बार क्या होता है कि मैंने दो से भरवाया, मैंने भरवाया चार से आया, मैंने देख लिया दो वाले ने थोड़ा सस्ता भरवाया, तो ऐसा भी हो जाता है। बट इनके पास हर चीज़ है, कैमरा भी है, हम बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, ट्रैकिंग सब चीज़ की है। तो उसके बाद दो नंबर काम करने वाले 100 में से कितने लोग होते हैं या 1000 में से कितने लोग होते हैं? 1000 में से 100 बंदे तो आपको कहीं ना कहीं, अगर हम भी कहीं पर भी खड़े हैं तो कोई ना कोई गलत भी है सही भी है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही है, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम कह सकते हैं कि यहाँ के रूल थोड़े अच्छे हैं। और यहाँ पर जो अब बिल है वो बिल इनको मिल जाएगा, और ये पेमेंट कैसे करेंगे जी आप इसकी? पेमेंट हम कार्ड से कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं। आप, मैं आपको बता दूं कि ये जो अमन जी हैं इन्हीं की ये गाड़ी थी, और ये खुद ही अपनी गाड़ी में, क्योंकि हमें चेक करवाने के लिए लाए हैं सिस्टम क्या रहता है। और यहाँ पर जो पेमेंट है ये देखिए, ट्रांजेक्शन इनकी अप्रूव्ड हो गई है, और अब बिल बुल निकलेगा कुछ इसका? ये लिए लीजिए, निकला, दिखाइए एक बार। और ये इनका सिस्टम है पूरे का पूरा, कितना इन्होंने तेल डलवाया ये देखिए, ये लिखा आ गया है कि 17.1759 का रेट था पर लीटर का, और $20.18 का जो रेट है वो इन्हें लगा है, और जो इन्होंने पेमेंट कर दिया है अनलिडेड 91 पेट्रोल डलवाया, हाँ जी फ्यूल। तो उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। ये देखिए बेकरी का सामान काफ़ी कुछ है, दही है यहाँ पर, बेकरी का काफ़ी सामान है, चॉकलेट्स हैं, आपके जो भी मन में आए आप यहाँ से खरीद सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ये जो सुविधा है वो आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप्स के ऊपर दी गई है। तो मेरी आप सभी से अपील रही कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अमन भाई, ये जो जैसे लोग हैं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, सामान वगैरह लेते हैं, तो पेमेंट वगैरह जैसे यहाँ पर करके जाते हैं, कोई चीज़ ख़राब निकला है, कुछ निकला है, चेंज होती है क्या रहता है? हाँ जी, ज़रूर चेंज होती है, इस पे हर चीज़ पे बारकोड है। अच्छा। हम यहाँ से अगर एक टॉफ़ी भी उठाते हैं तो उस पे भी बारकोड है, उसको हम स्कैन करेंगे, अगर कोई चीज़ डैमेज निकलती है तो हम उसको रिफंड बैक कर देंगे। वो ले आपसे और ख़राब कोई और दे दे, अगर आपकी होगी तो पता लग जाएगा? नहीं नहीं, वो तो पता लग ही जाएगा, वहाँ पे बारकोड होगा। कई बार क्या होता है, कोई बंदा आता है कि हमारे को मतलब हॉट ड्रिंक है, हमारे को कोल्ड चाहिए,
अच्छा, बट हम क्या करते हैं उनको नहीं देते जी, क्यों? क्योंकि एक 7-Eleven है या कोई भी फ्यूल स्टेशन है, ये ब्रांड है। हाँ जी, 7-Eleven ये ब्रांड है। तो अमन भाई आपने हमारी बड़ी मदद की, कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मेरे को 4.5 साल हो गए हैं अभी। करनाल से ही हैं? हाँ जी, करनाल से। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। खबरें देखते रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खबरें देखते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट था दिखाना कि जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो पेट्रोल पंपों पर किस तरह डाला जाता है, उसी पंप के ऊपर आपको इस तरह से जो सामान है वो भी मिल जाता है, और उस सामान को आप लेकर जा सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं जी। और ये देखिए, सब ड्रिंक्स के ऊपर हमने लेबल लगा रखे हैं। ये कॉफी है तो आइस कॉफी ही इसी में आपको मिलेगी। ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो यही मिलेगी, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ही मिलेगी इसमें आपको। ये वी ड्रिंक, रेड बुल, एवरीथिंग आपको इसी हिसाब से ही, जिस हिसाब से लगे हुए हैं वहीं से ही मिलेगी। सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये कॉफी है, ये मैंने 2-3 बार 4 बार यानी कि पीकर देखी और काफी अच्छी। ये $8.50 में जो 2 बोतल है वो मिल जाती है आपको, और टेस्टी है, टेस्टी किसी है। में किसी ना किसी की स्कीम रहती है, ऑफर रहती है। जैसे हम इंडिया में लगाते हैं वैसे यहाँ भी सेम ही प्रोसीजर सेम है, बस हम वहाँ थोड़ा फॉलो नहीं करते, यहाँ हम आके, हमारे को आदत ऐसी होती है तो हम फॉलो करते हैं। फॉलो करते, तो सब ठीक चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ जी, परिवार के लोग खुश है? हाँ जी, सब बढ़िया है। तो ये अमन जी हैं, करनाल से ही हैं और यहाँ पर मैनेजर भी हैं इसी पंप के ऊपर। तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर लेकर आया रात को कि कल मुझे वापस जाना है, तो आप मुझे चलकर एक बार दिखाइए। देखिए रात के इस समय 10:30 बज रहे हैं यहाँ पर, और कल मेरी फ़्लाइट है और मैं उसके बाद करनाल पहुँच जाऊँगा आपके साथ उन्हीं खबरों के साथ जो खबरें आप देखना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ये टूर था आपको कैसा लगा, क्या कुछ आपने देखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो ये सिस्टम है इसको लेकर आप क्या समझते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ आकर्षण उप्पल, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से शायद अपने आखिरी वीडियो के साथ आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।